वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत, वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत, जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत। एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को, एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को, डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 34 सेकंड और शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहानी। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। Yeah.
लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म आन से सुना आपने ये सदाबहार गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। आन महबूब खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 1952 की भारतीय बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए थे दिलीप कुमार, नादिरा और प्रेमनाथ। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी क्योंकि इसे 16mm गेवा कलर में शूट किया गया था। ये उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी और साथ ही साथ घरेलू स्तर पर और विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। आन पहली भारतीय फिल्म थी जो कई देशों में, दुनिया भर में रिलीज हुई। 17 भाषाओं में उपशीर्षक दिया गया और 28 देशों में रिलीज हुई। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण था नौशाद साहब का संगीत। अब अगला गीत सुनाते हैं हम आपको गीता दत्त की आवाज में। गीता दत्त की आवाज में फिल्म आर पार से सुना आपने ये गीत। आर पार 1954 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, श्यामा और शकीला ने। संगीत था ओपी नैयर साहब का और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। कालू बंबई भारत में एक टैक्सी ड्राइवर है। उसकी दो महिला मित्र हैं जो उससे प्रेम करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन कालू पहले खुद को स्थापित करना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। इससे पहले वे शादी के बारे में सोचना नहीं चाहता। उन महिलाओं में से एक के पिता गैंगस्टर प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं और वो चाहते हैं कि कालू भी उनके साथ जुड़ जाए ताकि वो अमीर हो सके। कहानी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और अब हम आपको सुनाते हैं
अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनारकली से सुना आपने ये सदाबहार गीत। संगीत था सी रामचंद्र का। अनारकली 1953 की भारतीय
ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन नंदलाल जसवंत लाल ने किया था और नासिर हुसैन और हमीद भट्ट ने लिखा था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए थे प्रदीप कुमार, बीना राय और कुलदीप कौर। ये फिल्म 1953 में रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और अगर इस फिल्म के संगीत की बात की जाए तो बात और भी मजेदार और दिलचस्प होगी। संगीतकार वसंत प्रकाश को शुरू में इस फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में किसी कारणवश सी रामचंद्र ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया और इस फिल्म का संगीत भी काबिले तारीफ रहा। अगला गीत फिल्म नागिन से। छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। हरी छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। आशाओं का मजा लगा रंगी प्यार से डोरी, तेरे मोहल्ले उड़ते उड़ते आई चोरी चोरी। बड़ी दुनिया कहीं ना, तोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। नील गगन में छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। चिरक बैरी जग का सीना, गीत प्यार के गाती, देखो गीत प्यार के गाती। है किसमें इतना जोर जो काटे डोर सामने आईना। फिर मेरी अतरिया पे छोड़ दे पतंग सैया छोड़ दे। ऐसे छोड़ू न सजनिया, नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। गोरी नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म नागिन से सुना आपने ये सदाबहार गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण का। नागिन 1954 में आई हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक बेहतरीन फिल्म रही। इस फिल्म में वैजंती माला, प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। ये 1954 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म में संगीत दिया था हेमंत कुमार ने जो बेहद सफल रहा और उस वर्ष का फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी हेमंत कुमार को दिया गया। अब हम आपको सुनाते हैं अगला गीत गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से। सो जिया में समाए गयो रे कि म
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं पूरा सही, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं पूरा सही, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का। Yeah.
जा रुक जा ओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर Bazi was the first picture of Navketan that gave me an image and Gurudat a big image and Geeta Bali a big image Nesty Berman, Sahil Dhani, everybody a big image starting point आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर रात अंधेरे में ही लौट गई चांद से मिलकर
रात अंधेरे में ही लौट गई चांद से मिलकर, चांद आकाश के बीचों बीच खड़ा देखता रहा उसे जाते हुए, और बादलों पर पांव घसीटता चांद थके कदमों से लौट गया धीरे धीरे। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी गोल्ड के साथ, और वक्त हुआ है 1:44 और 38 सेकंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे,
लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म आवारा से सुन रहे थे आप ये गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत था शंकर जयकिशन का। 14 दिसंबर 1951 में आई फिल्म आवारा को कौन भूल सकता है। राज कपूर द्वारा निर्मित, निर्देशित और ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित एक भारतीय हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, नरगिस, लीला चिटनिस, के एन सिंह और शशि कपूर ने। इस फिल्म में राज कपूर का चरित्र चार्ली चैपलिन का संदर्भ देता हुआ महसूस होता है जिसे श्री 420 जैसी कपूर साहब की अन्य फिल्मों में और विकसित हुआ हम पाते हैं। ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से। हमारी हुस्न की बिजली
दिन में चार दिन में चार दिन में चार दिन में चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि चार दिन में रंग पर नाज न कर क्योंकि रंग बदल जाता है वाह वाह ये वो मेहमान है जो आ जाता है कल जाता है इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है ढल जाता है आहे हुस्न का नारी ही क्या हुस्न तो ढल जाता है बाहर हुस्न सलामत खुदा से पूछ डरा के चार दिन में आहा के चार दिन में ओहो के चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा के चार दिन में ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर गीत सुहाने प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम हम तुम साथ साथ में आप बने रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ
This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi has said his talks with Bhutanese leadership will add more vigour to India-Bhutan friendship. Mr. Modi termed his Bhutan visit as very special as he had the opportunity to meet King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk and Bhutan Prime Minister Shering Togbe. He returned to Delhi last afternoon after concluding his two-day state visit to Bhutan. In a special gesture, King of Bhutan accompanied by Bhutan Prime Minister accorded a warm send-off to Mr. Modi at the airport. In a social media post, Prime Minister Modi said he is honoured by the special gesture by the King of Bhutan. He also expressed gratitude to have been conferred the Order of the Druk Gyalpo. Mr. Modi also